एक फरमाइश है उसको भी पूरा कर दिया जाए। भैया भैया भैया, अरे माए मित्र सुन लो गाना मारा मारा, ऐसा ना करो कि वो दो बार आए तो उनका ज्यादा सम्मान दो। लेकिन भाई जी अभी आप एक बात कह रहे थे कि हम दो बार आए, सचदेवा जी पहली बार आए हो और सम्मान आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा नहीं भाई जी, हमको मिलता है। ये जनता किसी पे भेदभाव नहीं करती है, कंचौसी ग्राम है और आप दो बार आए, हम इस छह से हर बार निकलते हैं, हमारे बुआ जी रसूला बाद में रहते लेकिन और हम ये भी नहीं कह सकते कि आप परदेशी हैं, आप प्रयागराज से हैं, आप तुम्हारे बड़े भाई हैं, सही जैसे ये घर वैसे वो घर, अब मारो चाहे पीटो और क्या भैया, लेकिन कुछ सोचो गाना फिर आए क्या कल बहुत बार सुना है। आप कहीं प्रयागराज के हमारे आप जिनको आप गुरु जी भी कहते हैं, हमारे सुशील दिनकर जी, उनके सामने भी इस गीत को मैंने गाया है, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ हमारे भाई लोग बैठे हैं, गीत को सुनेगा। सुदामा जी मिलने आए कन्हैया से, जैसा कि दादा ने बताया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बिल्कुल कन्हैया लाल
अपने शयन कक्ष में शयन करने लगे। रात का पहर है, सुदामा जी जब शयन करने लगे तो कन्हैया जी जाके सुदामा के पैर दबाने लगे, पैर दबाने लगे। सुदामा जी उठे, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो, कारण क्या है? कन्हैया बोले, सुदामा जी बहुत दिनों बाद मिले हो। और क्या भाई जी, बहुत दिनों बाद मिले हो, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भैया धीरे धीरे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बचपन में जो गुरु माता ने हम दोनों को चने खाने के लिए दिए थे, कन्हैया आप सुदामा आपने अकेले क्यों खा लिए, अकेले क्यों खा लिए? अब सुदामा जी बताना नहीं चाहते हैं तो सुदामा जी बहाना बना रहे हैं। दादा बहाना बना रहे हैं कि बहुत दिन बाद मित्र आया है, अभी इसको बता देंगे तो ये दुखी हो जाएगा। और क्या, तो सुदामा कहने लगे क्या ये एक बहाना बना रहे हैं, भला टल जाए तो टल जाए। तो सुदामा जी बहाना बनाने लगे, बोले कन्हैया सुनो, मैंने वो चने अकेले क्यों खाए? सुदामा जी जो दूध छलिया है उसके साथ छल रहा है, सुदामा जी जो कुछ छलिया है उसके साथ छल कर रहे हो, रंजीत भैया जो कुछ शरारती उसके साथ शरारत कर रहे हो। ये है, अब है तगड़ा। भैया कन्हैया बोले सच बताओ सुदामा जी, आखिर कारण क्या था? सुदामा जी ने सोचा चलो दूसरा बहाना बना दे रहे, मान जाए तो मान ही जाए। और क्या महाराज, तो सुदामा जी कहने लगे क्या? सुनो कन्हैया मैंने चने क्यों खाए? अरे यद्यपि किसन तुम दूर चढ़े बढ़िया, लकड़ी काटने के लिए आप तो बड़ी दूर चढ़ गए। और क्या, यद्यपि किसन तुम दूरी चले
तड़े थे दिए जो चने वो बहुत ही कड़े थे। वो इतने कड़े चने थे काना, अरे आप खाते आपके दांतों में दर्द हो जाता, इसलिए मैंने सारे के सारे खा लिए। अरे दिए जो चने वो बहुत ही कड़े थे। और काना मानोगे नहीं, जिस 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 टाइम मैंने चनों को खाया कि ये दांत खट्टे, क्या बात है, कि ये दांत खट्टे उनमें इतनी कड़ाई है। सुन लो कनाई बात उन दिनों की, सुन लो काना जब हम करते थे पढ़ाई थी। जिन लोगों को पता है कि सुदामा ने अकेले चने क्यों खाए, वो लोग दोबारा सुन लें, क्योंकि ये सनातन धर्म है अपना। कीर्तन, कीर्तन एक ऐसा मंच है जहाँ जिस मंच के माध्यम से कलाकार हर प्रकार की जानकारी कला कला जनता तक पहुंचाता है। पहुंचाना भी चाहिए अपने इतिहास के बारे में, अपनी अपनी अपने परमात्माओं की कहानी के बारे में, अपने पुराणों के बारे में अगर बताया जाए, जितना बताया जाए उतना बताया जाए। जो जानकारी पहुंचानी चाहिए वो पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज सुधारक के रूप में खड़े हैं तो समाज में कुछ ना कुछ जाता रहे, जिससे अपना सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आज ऐसी स्थिति है कि लोग ये कंचौसी ग्राम, जैसा कि भाई साहब ने बताया, बहुत ही पावन धरा है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि जहाँ हमारे नौजवान साथी, हम उम्र साथी कीर्तन सुन रहे हो, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इतने जगह कार्यक्रम किया, हमसे उम्र दराज लोग ही कीर्तन सुनने आते रहे। नौटंकी होती, लोग सुनने चले जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, लोग सुनने चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ हमारे नौजवान भाई, हम उन भाई अगर कीर्तन सुन रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे चलकर यही तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और क्या, साथ में हम भी बुड्ढे हो जाएंगे, गाना गाते रहेंगे, ये लोग गवाते रहेंगे, हम लोग गाते रहेंगे। कहना भैया, अब मैं गीत को खोल रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पढ़ा है जानकारी है वो लोग दोबारा सुन ले, और जिन लोगों को जानकारी नहीं सचदेवा सरासी बता रहा है उसको सुन सुन। कन्हैया ने कहा, लाल ने कहा, सुदामा सुदामा सच बताइए, तुम्हें तुम्हारे मित्रता की कसम, तुम्हें तुम्हारे मित्र की कसम, तुम्हें इस कन्हैया की सौगंध है। अब जब कन्हैया ने स्वयं सौगंध दे दी हो, कोई क्यों नहीं बताएगा। देखिए सुदामा बताने लगे, काना आखिर मैंने चने क्यों खाए। सुने, एक गांव में एक बुढ़िया थी जो भूख से व्याकुल, आ गया।
कुछ चोर माई है। चोरों ने सोचा ये बुढ़िया कुछ ना कुछ माल खजाना लेके जा रही है। और क्या सुनिए जरा कर कौन अब क्या होता है आगे। सुनिए जरा कर कौन अब क्या होता है आगे। बुढ़िया के चले छीन करके चोर है भागे। बुढ़िया का वो चोर अभागे। सुन करके साफ बुढ़िया का वो चोर अभागे। संदीपन के आश्रम में चले छोड़ कर भागे। गुरु माता ने हम दोनों से कहा क्या? तुम्हें भेजती हूँ वन में लकड़ियाँ लाने के लिए। ऐ कान्हा और सुदामा, तुम्हें भेजती हूँ वन में लकड़ियाँ लाने के लिए। देती हूँ चने तुम दोनों को जवाब नीचे आए आपको आधा चना दे दिया जाएगा। आधे चने मैं खा ले रहा हूं। काना जैसे मैंने आधे चने अपने हथेली पे लिए, हाथों पे जैसे चनों को लिया, जैसे मैंने भोजन मंत्र पढ़ा, भोजन मंत्र पढ़ा, मुझे ज्ञात हो गया कि ये चने श्रापित हैं। आज भी अपने धर्म में जब खाना भोजन परोसा जाता है तो खाने से पहले भोजन मंत्र बोला जाता है। भोजन मंत्र पढ़ा, ज्ञात हो गया कि चने तो श्रापित हैं। तो सुनो कन्हैया मैंने किया क्या? देखिए आखिर मित्रता होनी चाहिए तो किस प्रकार होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मित्र मुंबई से आया है तो जब तक पर्स में पैसा है तब तक मित्र के साथ घूमा जाए। भैया मित्र वो होना चाहिए कि मित्र के सुख में भले ही आप न जाएं, अगर मित्र किसी कष्ट में है, किसी दुख में है, तो उसके साथ रहना चाहिए। यही मित्रता है। और क्या कन्हैया? अरे भेद चना जान लिया गे तो मन में ये मैंने ठान लिया। तुम्हें प्रभु लाई
दानी भाई। जय हो जय हो। काना मैंने सोच लिया, मैंने जाना ये चने श्रापित है, ये चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। श्रीमान जी सुदामा ने जैसे सोचा कि ये चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, अरे जग को चलाने वाले परमात्मा, जग को खिलाने वाले मेरे कन्हैया, अगर ये चने खा के ये भगवान दरिद्र हो जाएगा तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। क्या बात है। ये गीत बढ़िया आपका आया है, क्योंकि इतने खराब मौसम में इतने लोग तो अच्छे मौसम में नहीं रुकते हैं, लेकिन इस मौसम में आप धन्य हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। गीत बढ़िया बेहतरीन आपका आया। सबसे पहले तर्ज सुने, प्रयास कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा गाया है। गीत सुनेगा सुने No, no.
आइए गीत आपका पंक्तियां आपकी बड़ी बेहतरीन है। बात उन दिनों की सुन लो ये गाना जब हम करते पढ़ाई बड़ी मित्रता बढ़िया लाइन भैया। अब प्रयास कर रहा हूं चूंकि अच्छे गीतों का प्रयास ही किया जा सकता है बड़ा बड़ा जब 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 आपने गीत को खोल भी दिया कि वो चना जो था सुदामा जी ने इसलिए नहीं दिया कि वो चना श्रापित था बूढ़ी माता का। उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो मित्र मित्र कैसा कि जो अपने मित्र को बचाना ले। तो सुदामा जी ने अपने कन्हैया को दरिद्र होने से बचाने के लिए स्वयं चने को खा लिया और खुद दरिद्र बन गए लेकिन अपने मित्र को दरिद्र नहीं बन गया। कहा गया है बड़े भैया कि संसार में अगर एक अच्छा मित्र मिल जाए तो पूरा जीवन कट जाता है। तो सुनिएगा आपकी घटना यहाँ है लेकिन जब कन्हैया से मिल करके सुदामा जी अपने घर आए और रास्ते में महाराज कन्हैया जी ने बड़ी आओ भगत किया वहां पे अपने महल में बड़ी आओ भगत किया। लेकिन जब आने लगे तो कन्हैया सुदामा जी को ओढ़ने के लिए निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन से कन्हैया जी ने सुदामा जी को ओढ़ने के लिए एक पीताम्बर दिया था। और जब विदाई हुई सुदामा जी की आने लगे तो कन्हैया जी ने वो पीताम्बर ले लिया। कार्य मित्र भी चोरी की आदत गई नहीं कम से कम हमारा पीताम्बर तो वापस कर। अब सुदामा महाराज को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है वहां झोपड़ी की जगह महल बन गया। अब रास्ते में बिचारे सोचते चले आए कि गया था कुछ मांगने पाने के लिए लेकिन मित्र ने तो कुछ भी नहीं दिया। वैसे फटे हाल में वापस जा रहा हूं लेकिन जब पहुंचे अपने गांव के बाजार के पास तो देखा उनकी झोपड़ी नहीं कहीं महल झोपड़ी की जगह सुदामा जी सोचे अब बताओ पीताम्बर ले लिया झोपड़ी भी गायब कर दिया महाराज। ये भागवतकार आपको व्यास जी महाराज मन से सुनाते हैं आपको सुनने को मिलेगा। कहा महाराज ये झोपड़ी महल की बात छोड़ो धन वैभव की बात छोड़ो पीताम्बर तो लिया ही था झोपड़ी भी गायब हो गई। अब लेकिन उधर से सुशीला जी जो कि अब तो रानी बन गई थी अंदर से झरोके से झांका अपने पिया को बुलाया कहा स्वामी अंदर आई। जब अंदर गए जब ये सुख वैभव देखा तो सुदामा जी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। तो सुदामा जी सुशीला अपनी पत्नी सुशीला से क्या कह रहे भाव देखिए। सुशीला से कह रहे हैं और द्वारिका पुरी की तरफ हाथ जोड़ के कन्हैया से कह रहे हैं कि केशव कान्हा मित्र मन को धन्यवाद आशीर्वाद कहा इतना नहीं जानता आदित्य मन को विश्वास नहीं था दे तो इतना विश्वास नहीं था तो खेल के पठाई जबरदस्ती भेजा है हमारी पत्नी सुशीला ने थेल के पठाई मुझको मांग किन की लाई
अरे धन्य हो कन्हाई। थैली में पठाई मुझको माग बिन की लाई, धन्य हो कन्हाई तेरी मित्रताई। बात इन दिनों की खूब, बात इन दिनों की खूब, मित्रता निभाई मित्रता निभाई, धन्य हो कन्हाई। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, कहा कि किस्मत का मारा मजबूर रहा। हाँ सुशीला, कि किस्मत का मारा मजबूर रहा, रह कर के पास मगर दूर रहा मैं, रह कर के पास लेकिन दूर रहा मैं। तो याद तो आई मगर अपनी देखी दिन ताई, सुधू तेरी भुलाई। मैंने अपना देखा, अब चाहे जिस संकोच के कारण मैं आपके द्वार का अपने मित्र से मिलने नहीं जा पाया। जय हो। बात इन दिनों की,